क्या हुआ है, क्या हुआ है भाई? वो मेरे पैसे लेके भाग गया। अरे भाई आपको ख्याल करना चाहिए था ना, ऐसे कैसे वो आपके पैसे लेके भाग गया? भाई मुझे क्या पता था कि मेरे पैसे चोरी हो जाने हैं, मैं तो घर का राशन लेने जा रहा था। भाई आप परेशान ना हो, मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ। ये लो आप कुछ पैसे, आप इसका घर के लिए राशन ले लेना। थैंक यू सो मच भाई। कोई बात नहीं, ये पकड़। और तो अच्छी दिहाड़ी लगी है। ये क्या मुझे एक एक तेरे पास पहले भी तो है ना, हम इसी तरह काम करते रहे तो एक दिन लाखों करोड़पति बन जाएंगे। चल चल देख, नया बकरा आ रहा है। चल चल पैसे निकाल, पैसे निकाल, पैसे निकाल, पैसे निकाल। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? देखो ना भाई, लोग मजदूर को भी नहीं छोड़ते। मैं अपनी दवाइयां लेने जा रहा था, मेरे पास यही पैसे थे, किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए। ऐसे कैसे हो गया, आपको ख्याल करना चाहिए था। भाई मैं मजदूर, मजदूर अपना ख्याल कैसे रख सकता है? भाई परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो मैं आपको देता हूँ। आप इस पैसों से कुछ दवाई ले जाना। वाह बबली वाह, आज तो बहुत खूब दिहाड़ी लगी हुई है। अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो एक दिन हम करोड़पति बन जाएंगे। तू बस मेरा इसी तरह साथ देते रहना, फिर देख हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं घर चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। और ये भी पकड़ तू। छोटे क्या हुआ तुझे? छोटे साहब, मेरे भाई कैसा है अब? तुम अपने पैरों पे खड़े हो, अभी काली तो मैंने तुम्हारी मदद की है। इस बात को छोड़ो डॉक्टर साहब, और मुझे बताओ मेरे भाई कैसा है अब? तुम्हारा भाई अब हतरे से बाहर है। मुझे तुम ये बताओ, तुम लोगों ने ये जो फ्रॉड खेला है इसकी सारी सच्चाई बताओ। मैं और मेरा दोस्त मजदूर बनने की एक्टिंग करती है और लोगों से ड्रामा करके पैसे वसूल करते हैं, और उन पैसों से हम अपना घर बार चलाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताएं, मेरे भाई को हुआ क्या है? तुम लोगों में जरा भी शर्म नहीं है, खुद और अपने घर वालों को हराम खिलाते हो, थोड़ी सी तो बंदा हया करता है। डॉक्टर साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं मेरे भाई को हुआ क्या था? ये वही हराम का लुकमा था जो तुम्हारे भाई के गले में अटक के उसकी मौत का सबब बनने वाला था, और इसे तुम खुदा की पकड़ ही समझो। डॉक्टर साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे, हमें माफ कर दे डॉक्टर साहब, हमें सही और गलत का पता ही नहीं चला। डॉक्टर साहब हमें ये पता चल गया है कि बूढ़े का बूढ़े ही अंजाम होता है। इंसान की जब गलती पकड़ी जाए तभी उसे पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। इंसान को हमेशा हलाल रिस्क कमाना चाहिए और अपने घर वालों को भी हलाल रिस्क खिलाना चाहिए। और तुम्हारा भाई खतरे से बाहर है, जाओ तुम अपने भाई को मिल सकते हो। जो तुम्हारे साथ अच्छाई करे तुम उसके साथ बुराई ना करो, और जो तुम पर एहसान करे तुम उसको कभी भी तकलीफ में ना डालो। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए।